खबर पाली से, जहां पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर के 52 वार्डों में कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन ने पास जारी किए हैं। बावजूद इसके ठेले पर सब्जी बेचने वाले खुलेआम कर्फ्यू के नियमों की धज्जियां उड़ाकर संवेदनशील इलाकों में घूम रहे हैं, जिससे लोगों में कोरोना संक्रमण का भय बना हुआ है। लॉकडाउन 3 में भी श्रमिकों का पलायन जारी है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी श्रमिकों को ट्रेन बस की सुविधा नहीं मिल रही है, इसके चलते वे पैदल ही अपने घर की ओर जाने को मजबूर हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भी श्रमिकों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को पाली हाईवे से होते हुए श्रमिक यूपी गुजरात की ओर जा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने बताया कि सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वे करीब 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए भोजन और साधन तक की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। गाड़ी में नहीं बैठा ना, वहां पर राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस थी, वहां पर सब लोग कह रहे हैं कि मतलब कि 30-30 40-40 आदमी में ग्रुप बनाओ। अच्छा, तो कह रहे यूपी वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। रोड से रवाना हुआ हूँ। हाँ, कब रवाना हुए थे? दस एक दिन छः। और ये कितना किलोमीटर जाओगे आप? अभी तो यहाँ से आप 17 किलोमीटर पड़ता है। 1700 किलोमीटर जाओगे और पैदल आए वहाँ से? पैदल आए अबू रोड से? हाँ, अब पैदल आ जाऊँगा। ऐसा हाल हो गया है कि मैं तो 2 महीने तक कहीं भी पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। अच्छा, 2 महीने तक। 20 में आप जब भी रवाना, 20 में कुछ मिला आपको प्रशासन ने? कुछ दिया? कुछ मदद नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं मदद किया सर, कुछ भी नहीं मिला, कुछ एकदम नहीं किया।